फ्रेंड्स वेलकम बैक। सो आज का ये जो वीडियो है पार्ट 4 है, हाउ टू फाइंड हाई अथॉरिटी एक्सपायर्ड डोमेन्स विथ स्क्रैपबॉक्स एंड एचआरएफ्स। ओके, सो इस वीडियो हमारा पार्ट 4 वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि स्क्रैपबॉक्स के जरिया से और एचआरएफ के मदद से आप कैसे हाई अथॉरिटी एक्सपायर्ड डोमेन पा सकते हैं। ओके, बहुत आसान है भाई, बस आपको पास दो चीज़ें चाहिए आपके पास अगर ये एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढना चाहते हैं। सो पहला तो स्क्रैपबॉक्स, ये क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो स्क्रैपबॉक्स एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आपको प्रीमियम सॉफ्टवेयर है, आपको इसका लाइसेंस खरीदना होगा। ये देखिए इसका, ये मैं इनका साइट में हूँ, ऑफिशियल साइट में scrapbox.com। यहाँ पर देखिए इसका जो प्राइस है $97 है। ओके, सो ये स्क्रैपबॉक्स टूल को जब आप खरीद लेंगे $97 दे के, उसके बाद आपको ईमेल वगैरह सब कुछ, ये इनका जो मेथड है लाइसेंस वगैरह, ये आपका जो पेपल ईमेल आईडी, आप यहाँ पर पेपल से आप कर सकते हैं। सो वो ईमेल आईडी के जरिए से आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ओके, वो ईमेल आईडी से आप वहाँ पर भर के लाइसेंस पा सकते हैं। वो बाद में देखेंगे, अगर आपके मन में कोई डाउट है स्क्रैपबॉक्स कैसे खरीदने, सो मैं आपको लाइव भी दिखा चुकूंगा। ओके, सो आज हम बताऊंगा कि कैसे स्क्रैपबॉक्स यूज करके, मेरे पास ये ऑलरेडी स्क्रैपबॉक्स ओपन हो गए है, ये देख सकते हैं। ओके, ये मेरे नाम से, यहाँ पर नीचे देख सकते, देखिए लाइसेंस एंड एक्टिवेटर। ओके, सो ये स्क्रैपबॉक्स साथ है और उसके साथ हम यूज करेंगे हमारा एचआरएफ। ओके, सो सबसे बेस्ट है ये दोनों अभी के लिए जो प्रीमियम एक्सपायर्ड डोमेन फाइंडिंग में, सो रिसर्च में। सो आप क्या करना है ना, पहले मैं आपको पूरी मेरी जो ये जो मेथड है पूरी ध्यान से आप सुनना होगा और आपको फॉलो करना होगा, उसी हिसाब से आप अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट डोमेन पा सकते हैं। ओके, सो पहले क्या करना है ना, पहले स्टेप वन है कि आपको पास एचआरएफ खोलना है और उसके बाद आपको ये जो एचआरएफ रैंक है, आपको पता होगा एचआरएफ से उनका एक रैंक देते हैं टॉप हाई अथॉरिटी साइट जितने भी है। यहाँ पर देखिए 16,667 पेजेस है इनका डाटाबेस में अभी, 1,000,000 तक जो हाई अथॉरिटी एक्सपर्ट डोमेन है। सो आपको यहाँ से कोई भी एक साइट एक उठाना है जो ज्यादा हाई अथॉरिटी हो, जैसे मैं यहाँ पर मान लेते कुछ भी अभी ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, चलते ये पहला जो नंबर पेज में आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसके ऊपर हॉन्ट कर रहे होंगे। ओके, सो यहाँ से मिलना मुश्किल है थोड़ा। सो आपको क्या करना है, चलते हम कुछ भी या कोई भी साइट अच्छा सा साइट देख लेते हैं, अगर मान लेते हैं cnn.com में जाते हैं। ओके, सो cnn.com में मान लेता हूँ। सो cnn ये है नंबर वन स्टेप, आपको किसी का हाई अथॉरिटी साइट को आप पकड़ना है, उसके बाद आपको जाना है साइट एक्सप्लोरर सेकंड स्टेप में, उसके बाद वहाँ पर उसे सर्च कीजिए। सिंपली सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर, आपको एक सेकेंड पर रुकिए, सर्च हो जाने दो, और सर्च हो जाने के बाद आपको बस सिंपली जाना है इसका जो ब्रोकन बैकलिंक मेथड। ओके, आपको पता होगा मैनुअली हम जैसे सर्च करते हैं ब्रोकन मैनुअल लिंक, जैसे ब्रोकन लिंक मेथड एचआरएफ के थ्रू, सेम डिटो यहाँ पर ऐसे ही करना है। आपको देख सकते हैं यहाँ पर आउटगोइंग लिंक्स, उसके नीचे है ब्रोकन लिंक, वहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपको सारे के सारे ब्रोकन लिंक आपको दिखाई देगा एचआरएफ। ओके, सो एक सेकेंड बस ये ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए आपको 257,000 प्लस है, आपको देख सकते हैं कि ब्रोकन लिंक्स ऑलरेडी है cnn.com साइट में। आपको सिंपली क्या करना है, एक फिल्टर लगाना है यहाँ पर ऑल से डू फॉलो कर लेना है, जिससे हमारा जो भी है हम डोमेन पाएंगे वो सारे के सारे अच्छे से डू फॉलो लिंक ये cnn.com से लिंक होना चाहिए। ओके, सो अभी देख सकते हैं 226,000 प्लस डू फॉलो ब्रोकन लिंक्स ऑलरेडी अवेलेबल है। सो आपको सिंपली क्या करना है ना, मैं आपको फास्ट करने के लिए यहाँ पर सिंपली आपको ओके एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पर आपको कस्टम में आपको अभी के लिए आपको 20,000 लेके दिखाता हूँ, 50,000 नहीं हो रहा है, 20,000 लेके दिखाता हूँ, शायद हो जाए। ओके, ये एक्सपोर्ट हो गया 20,000 का ब्रोकन लिंक पेज टू फॉलो सारे के सारे cnn.com का। सो अभी इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ये डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप बताता हूँ। ओके, ये डाउनलोड हो गया, अभी इसे ओपन कर लेते हैं डाउनलोड। या इंटरनेट भी आज बहुत अच्छा खासा है, सो वही सुने अभी। सो इसके अंदर मैं आपको और के बाद बता दूँ, अगर हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, ऐसे बहुत सारे और भी पार्ट है एक्सपर्ट डोमेन के रिलेटेड, फ्री मेथड और भी दो तीन है मैं नहीं बताया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि स्क्रैपबॉक्स के माध्यम से कैसे करना है। और भी प्रीमियम टूल है जैसे डोमकॉप है और डोमेन हंटर गैदर ऐसे कुछ है, फाइंडर वो भी है, और भी बहुत सारे। सो उसके बारे में आपको मैं आने वाले पार्ट में बताऊंगा बहुत जल्द।
और इसके अंदर मैं आपको और बारे में थोड़ा डिटेल है स्क्रैपबॉक्स सॉफ्टवेयर के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ ये एक्सपोर्ट होने के टाइम। सो ये है स्क्रैपबॉक्स सॉफ्टवेयर, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंपली आपको पूरी सिंपल लेआउट है। पहले ऊपर मेनू है, सारे प्रोजेक्ट सेटिंग फाइल ऑप्शन ब्लैकलिस्ट टूल्स एड ऑन प्रीमियम प्लगइन्स और स्क्रैपबॉक्स के माध्यम से आप दो टाइप से आप कर सकते हैं, मतलब फाइंड कर सकते हैं स्पाइडरमैन। एक तो है ये नॉर्मल मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ और एक है ये सर डाउनलोड हो गया। ओके ये डाउनलोड हो गया, इसे मैं आपको बता देता हूँ पहले उसके बाद करते हैं। सो और एक मेथड है यहाँ पर प्रीमियम प्लगइन्स। सो आपको ये $97 तो टूल्स सॉरी स्क्रैपबॉक्स आप बाय कर लिए आपके हिसाब से, इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीमियम प्लगइन्स आपको जाना होगा। सो अवेलेबल प्रीमियम प्लगइन बहुत सारे प्रीमियम प्लगइन है यहाँ पर, आप मेरे पास एक ही बाय किया हूँ एक्सपर्ट वन फाइंडर। ओके आपको बस ये बाय करना है, ये $49 करीब या $47 पड़ेगा। ओके $47 आपको पड़ेगा और आपको बाय कर लेना। इसमें भी अच्छा खासा, मैं इसका भी और एक पार्ट में बताऊंगा कि कैसे इस प्लगइन के माध्यम से आप पास सकते हैं। आज के पार्ट में पार्ट फोर में ये मेथड बता रहा हूँ ब्रोकलिंग मेथड। ओके सो आपको अभी डाउनलोड हो गया हमारा, अभी आपको सिंपल क्या जाना है यहाँ पर लिंक ही वाला आप देख सकते हैं। ओके आप क्या करना है यहाँ पर सिंपली सारे के सारे यहाँ पर कॉपी कर लेना है, मैं इसे कॉपी कर लिया। ओके अभी यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पोर्ट एंड रिप्लेस करंट लिस्ट यहाँ पर दिखा देगा, पेस्ट और रिप्लेस फ्रॉम क्लिप बोर्ड। ओके यहाँ पर आप कॉपी किए थे उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओनली 32,000 प्लस URLs है ब्रोकलिंग जो CNN.com से हम एक्सपोर्ट किए थे सारे। अभी आपको कुछ फिल्टर लगाना होगा इसमें, पहला फिल्टर आपको लगाना है रिमूव एंड फिल्टर में जाना है रिमूव डुप्लीकेट URLs। ओके आपको सिंपली रिमूव डुप्लीकेट URL के बाद आप देख सकते हैं 32,000 से 11,000 प्लस हो गया कुछ ये, और कुछ आप यहाँ पर और एक फिल्टर लगाना है यहाँ पर देखिए ट्रिम टू रूट कर लेना है सेकेंड फिल्टर क्या ट्रिम टू रूट। ओके सो ये देख सकते 11,544 हो गया सारे ये जो पेजेस था उनका जो रूट डोमेन में आ गया। ओके सो अभी के लिए बस इतना ही फिल्टर लगाते हैं, उसके बाद आपको सिंपली जाना है क्या यहाँ पर ग्रैब एंड चेक पे जो लास्ट जो है वहाँ पर लिख देते चेक ऑन रजिस्टर्ड डोमेन्स। ओके यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। सो अभी आप देखिए इसका कमाल देखिए, सो यहाँ पर आपको सिंपली और एक टैब ऐसे ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूँ, ये सारे डोमेन वेबसाइट में आपके जितने सारे किए थे 11,000 समथिंग, ये दो तरह का DNS रिकॉर्ड ये चेक करता है, एक है तो हुईच DNS पास वन और पास टू हुईच चेक रिकॉर्ड कर। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ओनली इसमें ही करके चला जाएगा और आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ओके सो ज़्यादा बेटर होगा ये ऑलवेज ऑन क्लिक जैसे बाय डिफॉल्ट रहता है ऐसे रहने देने। ओके उसके बाद सिंपली आपको करना है स्टार्ट, और ये थोड़ा टाइम लगा, मैं ये वीडियो को पास्ट कर लूँगा और जब हो जाएगा मैं फिर से आपको ये दिखा दूंगा। ओके कितना हमारा अवेलेबल डोमेन हो पाएंगे। ओके सो अभी के लिए मैं पास कर रहा हूँ। सो आप जैसे देखते थे यहाँ पर ऑलरेडी 10,000 प्लस डोमेन को ये ऑलरेडी चेक कर चुका है और बाकी रह गया यहाँ पर देख सकते हैं बहुत स्पीड में हो रहा है। हाँ ये इस सॉफ्टवेयर के ऐसा ही है कि अच्छा क्वालिटी है कि बहुत स्पीड में ये काम करता है, ये जो चेकिंग वगैरह जो भी करता है। ओके ये देखिए ये जो पास टू में अभी देखिए आप 6,051 डोमेन जो ऑलरेडी लाइन पे था जो यहाँ पर देखेगा, और ये सारे TLD नॉट फाउंड, मतलब ये देखिए ये बहुत सारे सॉफ्ट डोमेन है जैसे ये सो ये सारे ये तो कोई TLD नहीं है ना, सो इसलिए इसे नहीं फाइंड कर रहा है। और जो भी सारे जो भी डोमेन है वो सारे जो भी अवेलेबल नहीं है वो ऑलरेडी लिखेगा नो डोमेन सीम्स टू टेकन, और जो अवेलेबल है वो ऑलरेडी हमें यहाँ पर दिखाई देगा। और इतने सारे डोमेन के अंदर हमें यहाँ पर बहुत लिमिटेड दिखाई देता है, सो हम जब ये खत्म हो जाए बहुत तेजी से कर रहे देख सकते हैं। देखिए अभी 5,650 हो गया, सो और भी होगा ये बहुत स्पीड में, बस तो जितना आप ज़्यादा डोमेन लेंगे आपका चांसेस उतना है कि आपका अच्छा अच्छा खासा डोमेन आप आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप जैसे देख सकते हैं अभी 6,050 डोमेन हो गया, ये लास्ट वन हो गया। ओके डन, सो हमारा जो चेकिंग प्रोसेस था वो सारे सब कुछ हो गया। आपको बस सिंपली क्या करना है, आपको जो एक्सपोर्ट ऑप्शन है आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपको एक्सपोर्ट अवेलेबल डोमेन्स ओके वहाँ पर क्लिक करना। आपको एक फाइल मांगेगा यहाँ पर, आप नेम दे देते मान लेते हैं अवेलेबल वन, ये TXT फाइल में आएगा, आपको बस सिंपली इसे सेव कर लीजिए। ओके उसके बाद इसे क्लोज कर लीजिए, उसके बाद इसे मिनिमाइज कर सकते क्लोज भी कर सकते। सो अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपका ये जो डोमेन है
अवेलेबल वन. ओके सो इतने सारे डोमेन ये अवेलेबल है, ये ओनली कुछ करीब बहुत कम डोमेन है. मैं आपको पहले बताया था भाई, आप जितना अच्छा डोमेन लेंगे, मतलब जितना ज़्यादा डोमेन लेंगे आप उतना अच्छा खासा भी जो नॉन रजिस्टर्ड डोमेन आप पा सकते हैं. यहाँ पर जितना डोमेन आप पाए उसके बाद सिंपली नेक्स्ट स्टेप में आप जाना है एचआरएफएस बैच क्विक बैच एनालिसिस, यहाँ पर आप सिंपली पेस्ट करना है और उसके बाद आपको एनालाइज पे क्लिक करना है. ओके सो एनालाइज क्लिक करने बाद ही आपको पूरी पूरी बुल्क में आपको दिखा देगा कि कौन सा डोमेन का अथॉरिटी क्या है. आप यहाँ पर चल सकते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा फिल्टर कर सकते हैं, जैसे DR49 के क्लिक करने बाद यहाँ पर आप कुछ डोमेन को ये .jp तो आप रजिस्टर नहीं कर सकते. ओके यहाँ पर देखिए एक डोमेन पाया मैं 3 लेटर का. ओके ये देखते हैं PKK और ORG. ओके इसे मैं अभी कॉपी करता हूँ, उसके बाद मैं जाते हैं नेमचिप पर. नेमचिप GoDaddy जहाँ पर मैं ज़्यादातर नेमचिप पर करता हूँ वहाँ पर फ्री हुई जो प्रोडक्शन है वो देते हैं, सो इसलिए वन साल के लिए. तो आप और किसी GoDaddy भी कर सकते हैं, यानी तो और किसी भी रजिस्टर से कर सकते हैं. वैसे सिंपली आपको कुछ जाना है और सर्च करना है, देखना है वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं. ओके ओके ये और भी उसके टाइम अंदर हम थोड़ा और बाकी डोमेन देख लेते हैं. ये carol.org इनका भी developer 83 है. ओके मैं आपको ओके ये रजिस्टर हो गया है, ये नहीं है अवेलेबल नहीं. ओके और एक था carol.org, सिंपली से पेस्ट करता हूँ सर्च हो जाएगा. उसके बाद और देखते हैं, no.no नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, .net के लिए online.net ये ले सकते हैं और पीछे और एक लास्ट रखा ये. ओके ओके ये अवेलेबल है carol.org. ओके मैं इसे तो चेक कर लूँगा. आपके पास फिर से आपको बता देता हूँ, आपके पास पहले क्या करना था, आपको साइट एक्सप्लोर जाना है यहाँ पे कि किसी एक हाई अथॉरिटी साइट को आप उठाना है. उठाने के बाद इनका ब्रोकर लिंक को जाना है, ब्रोकर लिंक के जाने के बाद तो इसका सारे के सारे पेज को एक्सपोर्ट करना है. उसके बाद आप सिंपली आपको सेकंड में तो स्क्रैप बॉक्स बाय करना होगा, यहाँ पर ये लिंक भी आपको नीचे दे दूंगा, यानी तो गूगल पे सर्च करूंगा तो आपको मिल जाएगा. वहाँ पर जाके उसके बाद आप स्क्रैप बॉक्स में आप सिंपली यहाँ पर आपको पेस्ट करना है. पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इम्पोर्ट URL पेस्ट करना है. ओके और पेस्ट करने के बाद आपको दो तीन फिल्टर अप्लाई करना है. पहला फिल्टर रिमूव डुप्लीकेट URL, सेकंड फिल्टर ट्रिम टू रूट करना है. उसके बाद आपको सिंपली जाना है यहाँ पर थर्ड स्टेप में आपको ग्राफ एंड चेक में चेक ऑन रजिस्टर डोमेन में क्लिक करना है. उसके बाद आप चेक ऑन रजिस्टर क्लिक करने बाद वहाँ पर स्टार्ट करना है. स्टार्ट करने बाद आपको और कुछ टाइम लेगा आपका डोमेन के जितने URL आप पेस्ट किएंगे उनके हिसाब से. अगर 1 लाख प्लस होगा वो 1 आवर 2 आवर भी ले सकता है. ओके इसी हिसाब से आपको जब वो खत्म हो जाएगा आपको सिंपली एक्सपोर्ट करना है जितने भी अवेलेबल डोमेन है. ओके कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे कुछ साइट्स है वहाँ पर आपका अवेलेबल डोमेन नहीं मिलेगा. ओके कोई इशू नहीं, आप इसे बस रिपीट करना होगा ऐसे इस प्रोसेस को अगर आप सच में आपको हाई अथॉरिटी एक्सपायर्ड डोमेन आपको पाना है. ओके बस यही था भाई, हाउ टू फाइंड एक्सपायर्ड डोमेन हाई अथॉरिटी एक्सपायर्ड डोमेन विथ स्क्रैपबॉक्स एंड HRFs. ओके के लिए इतना ही वीडियो था. चलिए फ्रेंड्स आपके इस वीडियो में बस इतना ही. स्टे ट्यून, आने वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा स्क्रैपबॉक्स का प्रीमियम प्लगइन जो है एक्सपायर्ड डोमेन फाइंडर, यहाँ पर एक्सपायर्ड डोमेन फाइंडर इससे कैसे करके आप पा सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा. ओके ठीक है, थैंक यू, स्टे ट्यून.